साल 1996 में एक बड़ी मूवी रिलीज हुई थी। रोमांस एक्शन से भरपूर इस मूवी में सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर और तब्बू जैसे कई बड़े बड़े कलाकार नजर आए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकंवर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था नाडियाडवाला ने। तो वहीं एक बार फिर से इस मूवी का पार्ट टू बनाया जा रहा है, यानी कि जीत का सीक्वल। और ऐसी खबरें आ रही है कि इस मूवी में एक बार फिर से सनी देओल काम करते हुए नजर आएंगे और इनके साथ सलमान खान बतौर कैमियो रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और करिश्मा कपूर इस मूवी के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली है। वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें आ रही है कि सनी देओल के बेटे करण देओल इस मूवी में नजर आने वाले हैं। तो वहीं इस मूवी को जहां राजकंवर ने डायरेक्ट किया था, तो वहीं इस मूवी के पार्ट दो के लिए अनुराग कश्यप से बातचीत की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस मूवी को लेकर इम्तियाज अली से भी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अनुराग या इम्तियाज अली में से एक जीत दो की कहानी पर काम करने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि साल 1996 में रिलीज हुई जीत मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। उस वक्त की ये सुपरहिट मूवी में से एक थी और अब ऐसा कहा जा रहा है इस मूवी के पार्ट दो के लिए काफी सारे चेंजेस किए जाएंगे। मूवी में न्यू स्टार कास्ट की भी एंट्री की जा रही है। तो आप सब जीत दो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।